स्वागत है आप सभी का आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। आज है 26 जून 2020 और 26 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, मैं रोज आपसे कहता हूं सुबह उठने के तुरंत बाद ये वीडियो देखा करो, उसके बाद बाकी के काम किया करो। मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन इस वीडियो से फंसता है तो आपके लिए कितना लाभकारी रहेगा ये आप ही जानते हैं। तो सुबह उठने के बाद ये वीडियो देखो, उसके बाद बाकी के काम करो। आइए देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन आए। चलिए देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल प्ले स्टडी योजना शुरू की है। तो ये प्ले लिटिल प्ले स्टडी योजना शुरू की है, ये की है आपकी ऑप्शन ए त्रिपुरा ने। ऑप्शन ए त्रिपुरा ने ये योजना शुरू की है। अच्छा, ये प्ले लिटिल प्ले स्टडी योजना है क्या? ये है व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से बच्चों को ऑडियो वीडियो द्वारा घर पर ही पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है ये, हाल ही में कौन उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये मुख्य कोच बने हैं आपके, ये बने हैं वसीम जाफर। वसीम जाफर उत्तराखंड टीम के मुख्य कोच बने हैं। अब बात आ जाती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है ये, हाल ही में यूको बैंक में बीमा उत्पाद बेचने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता हुआ है? तो बीमा उत्पाद बेचने के लिए किस के साथ ये समझौता हुआ है? ये हुआ है सबके साथ, उपयुक्त सबके साथ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और रेलिगियर इंश्योरेंस, ये इन सबके साथ ये समझौता हुआ है। यूसीओ बैंक स्थापना हुई थी इसकी 6 जनवरी 1943 को। 6 जनवरी 1943 को यूसीओ बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका कोलकाता में। एमडी एंड सीईओ हैं इसके अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है, ये किया है आपका प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। नेक्स्ट है आपका ये, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है आपकी यस बैंक के साथ। ऑप्शन बी यस बैंक के साथ। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई और संस्थापक है राणा कपूर और अशोक कपूर। एमडी एंड सीईओ हैं इसके प्रशांत कुमार और अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। नेक्स्ट है आपका ये, हाल ही में मेजर जनरल री लक्ष्मण सिंह लेटर का निधन हो गया, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो यह थे आपके वीर चक्र से सम्मानित। ऑप्शन ए वीर चक्र से सम्मानित थे ये। यह है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा? तो ये गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा, ये करेगा आपका राजस्थान। राजस्थान करेगा ये। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये, हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है आपके अंडरटेकर ने। ऑप्शन बी अंडरटेकर ने WWE से संन्यास की घोषणा ले ली है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, हाल ही में पूर्णिमा जनैन है ये, जनैन का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह थे आपकी निशानेबाज। ऑप्शन ए निशानेबाज थी ये। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये, हाल ही में किस संगठन को LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है? तो ये मिल गया है आपका इसरो को। ऑप्शन बी इसरो को। अब ये LCHG है क्या? ये है आपका लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट।
क्या है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो हमने आपसे कल पूछा था कमेंट बॉक्स में, वो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 23 जून को, ऑप्शन ए 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो ये है आपका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च की है हाल ही में वो कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और किसने की है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।